जय भीम नव बुधाय। इक्वेलिटी न्यूज की एमपी डायरी में मैं निकेत आपका स्वागत करता हूँ। आइए एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश स्थित बुरहानपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला के पास से करीब आधा किलो ब्राउन शुगर है, जिसके बाद संबंधित मामले को लेकर पुलिस ने महिला पर शिकंजा कसा। जलगांव एलसीबी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बाबा साहब आम्बेडकर चौक के पास से एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से करीब आधा किलो ब्राउन शुगर नशीला पदार्थ भी जब्त किया गया है। वही ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत 1,08,000 रुपए आकी गई है। आरोपी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की रहने वाली है। जलगांव जिल्ह्यातील रावेर शहरामध्ये बुरहानपुर वरन एक महिला ब्राउन शुगर जवळजवळ 500 ग्राम इतकं आणल्याची एक गोपनीय माहिती मिळाली होती। त्याच्या आधारे जळगाव जिल्हा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अधिकारी आणि टीमच्या मार्फतीने या संदर्भात सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून हे जे ब्राउन शुगर आहे 500 ग्राम ब्राउन शुगर जप्त करण्यात आलेलं आहे। यामध्ये ज्या महिलेने हे ब्राउन शुगर आणलेलं आहे तिचं नाव अख्तरी बानू, वय 45 वर्ष, राहणार बुरहानपूर या ठिकाणची ही महिला असून या कारवाईनंतर आता रावेर पोलीस स्टेशन या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे। रांची थाना क्षेत्र में स्थित मस्ताना चौक में मेजर किराना के पास पुलिस ने नशीले इंजेक्शन बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को दबोचने के लिए थाने का एक सिपाही ग्राहक बनकर आरोपी के पास पहुंचा था। जैसे ही उसने इंजेक्शन निकाल कर देखने दिया, उसे दबोच लिया गया। आरोपी के कब्जे से 112 नशीले इंजेक्शन, 55 सीरीज और 5,000 रुपए जब्त किए गए हैं। रांची थाना प्रभारी विजय परस्ती ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मेजर किराना स्टोर के पीछे दुर्गा मंदिर के पास राजेंद्र श्रीवास नशीले इंजेक्शन बेचने का काम करता है। सूचना पर थाने के एक सिपाही को ग्राहक बनाकर राजेंद्र के पास पहुंचाया गया, जो 200 रुपए से इंजेक्शन का सौदा होने के बाद जैसे ही राजेंद्र ने सीरीज के साथ नशीला इंजेक्शन सिपाही को ला कर दिया, उसे घेर कर पकड़ लिया गया। राजेंद्र बड़ा पत्थर इलाके का रहने वाला है। थाना प्रभारी परस्ते के अनुसार राजेंद्र के साथ इस गोरख धंधे में कौन कौन लोग शामिल है, वह कहां से नशीले इंजेक्शन लाता है, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए उससे पूछताछ जारी है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना हुई कि एक व्यक्ति जो राजेंद्र पिता बाबूलाल श्रीवास है, 37 वर्ष, मेजर किराना स्टोर बड़ा पत्थर, ये इनके द्वारा इस तरह की गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। उक्त व्यक्ति को जो है मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया और उसके कब्जे से पूछताछ पर उसने जो है 112 नग इंजेक्शन, 55 सिरिंज, 5,000 रुपये नकदी जो उसने अभी तक नशे के रूप में जो इंजेक्शन बेचे थे वो जब्त किया गया है। उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध थाना रांझी में अंडर सेक्शन 328, 269 IPC व 5/13 मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट 1949 तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है और जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी ओबीसी विरोधी पार्टी है। उक्त बात सांची के दीवानगंज में कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय बूथ प्रबंधन विभाग के 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण समापन के अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक जयवर्धन सिंह ने कही थी। रायसेन के दीवानगंज जयवर्धन सिंह पहुंचे थे। उन्होंने वहीं से ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, इसलिए लगाया गया स्टे, जबकि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी थी जो कि ओबीसी की संख्या है वो सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कर पाई। इससे स्पष्ट दिखता है कि वर्तमान की भाजपा सरकार एक ओबीसी विरोधी सरकार है। स्टे जो लगा है वो कांग्रेस ने नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है और इसलिए लगाया है क्योंकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो ओबीसी की संख्या है वो सरकार को प्रस्तुत करनी थी, प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसलिए स्टे लग गया है। इससे स्पष्ट दिखता है कि वर्तमान की भाजपा सरकार, शिवराज जी की सरकार, एक ओबीसी विरोधी सरकार है। इन लोगों को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए है, इनके कारण स्थिति ऐसी बनी है कि जो पूरा चुनाव का जो पूरी प्रक्रिया थी, विशेषकर जो पंच, सरपंच, जनपद वार्ड, जिला पंचायत वार्ड, जहाँ जहाँ ओबीसी का आरक्षण था वहाँ स्थगित किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है
जो भाजपा सरकार ने की है। मैं मानता हूं इन जयचंद लोगों को जनता से माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश स्थित देवरी विधायक व पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवरी के सभी साथियों द्वारा देवरी में जनजागरण पदयात्रा निकालकर विभिन्न मांगों के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि देश सहित प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों, खाद्य पदार्थों सहित आम नागरिकों की उपयोगी वस्तुओं की लगातार की जा रही मूल्य वृद्धि को लेकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, त्रिस्तरीय पंचायत, स्थानीय निकायों, मंडी व सहकारी समिति सहित अन्य सभी चुनावों में ओबीसी आरक्षण शामिल करते हुए चुनाव कराने व जातिगत जनगणना कराने एवं वर्ष 2020 में उपचुनाव के दौरान स्थगित किए गए विद्युत बिलों की जबरिया वसूली किए जाने, क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं की जीर्ण शीर्ण नहरों की मरम्मत करते हुए कृषकों को पर्याप्त पानी की उपलब्धता सहित अन्य मांगों को लेकर उल्लेख किया गया है। जनजागरण पदयात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी लगाई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश में और प्रदेश में महंगाई को लेकर, स्थानीय जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन देने का आदेश जारी किया था। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, महंगाई सहित जिस तरह से मतभेद सरकार के द्वारा आरक्षण के नाम पर, रोटेशन के नाम पर और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य में ओबीसी का हक मारने का काम किया जा रहा है। हमने मांग की है कि ओबीसी को सभी स्थानीय निकाय सहित अन्य चुनावों में आरक्षण का लाभ मिले, साथ ही जातिगत मतगणना के आंकड़े भी सरकार प्रस्तुत करे कि कौन सी जाति कितनी संख्या में निवास करती है मध्य प्रदेश और देश में, ये भी हम लोगों की मांग है। साथ ही महंगाई का की मार से आम आदमी बेहद परेशान है, दुखी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में स्वराज सिंह जी के द्वारा जब बाई इलेक्शन चल रहे थे, 28 उपचुनाव थे, उस समय घोषणा की थी कि सभी बिल हम माफ़ करते हैं। मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर देते हैं, घर घोषणा करने के बाद भूल जाते हैं कि कौन सी घोषणा कब की है। और आज हालत यह है कि डेढ़ वर्ष के बिल के नोटिस उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं। आम आदमी परेशान है, बेहद दुखी है और कहीं ना कहीं लोक अदालत में केस प्रकरण भेजे जा रहे हैं। जो गरीब, चाहे वो कोरोना काल में रोजगार से वंचित हुआ हो, चाहे उनके परिजन आज इस दुनिया में नहीं हो, ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की नीतिगत सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं कुठाराघात किया जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पदयात्रा के माध्यम से उन्होंने ज्ञापन दिया। बुरहानपुर जिले का पहला एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक बहन ने अपने भाई की जान बचाने के लिए जीवित लीवर दान देकर अपने भाई की जान बचाई। गीता दत्त नगर की रहने वाली अर्चना महाजन ने ये कार्य किया है, जिन्होंने शादी के 30 साल बाद भी अपने पति और बच्चों की परवाह करे बगैर अपने भाई की जान बचाने के लिए लीवर दान कर दिया। बुरहानपुर जिले की अर्चना महाजन, जो कि अपनी शादी के 30 साल बाद भी अपने मायके वालों के प्रति इतना प्रेम रखती है कि अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद का लीवर दान कर दिया और अपने भाई की जान बचा ली। लीवर प्रत्यारोपण कर अपने भाई की जान बचा ली। यह ऑपरेशन 20 घंटे तक चला, जो कि मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में डॉक्टर सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने इस कठिन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पार किया। वहीं जब इस संबंध में अर्चना महाजन से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का ये जुनून था कि बस भाई की जान बचानी है और इसी को लेकर ही ये कठिन निर्णय लिया गया। जबकि अर्चना पर अपने मायके के साथ साथ ससुराल और पति और बच्चों का भी भार था, किंतु अर्चना ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस कठिन निर्णय को लिया और इससे सफलता भी हासिल की। लेकिन अब मेरे भाई को भी बचाना था और जितना समय मैंने वहाँ बिताया उतना समय यहाँ भी बिताया और दोनों परिवार की खुशी चाहती थी मैं, वो परिवार भी खुश रहे और ये परिवार भी, तो इसलिए मैंने मेरे भाई को बचाने के लिए लीवर दिया। भाई को बचाना था और वही मेरे दिमाग में था, तो कोई ये नहीं, और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था, मेरे बच्चे थे, मेरे हस्बैंड थे, सब मेरे साथ खड़े थे, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं था। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बेटियाँ मतलब आगे आए और दोनों परिवार की खुशी चाहती है बेटियाँ, तो इस परिवार की भी और अपने मायके की भी, तो आगे आए
और बेटियां किसी से कम नहीं है और अंग दान करें अपना। इनका अपना निर्णय था और इनके निर्णय में पूरा परिवार सहभागी था, ताकि इनके भाई एक गंभीर बीमारी से प्रताड़ित थे, जिनके लिए एक ही इलाज था कि लीवर का प्रत्यारोपण हो, और प्रत्यारोपण के लिए परिवार के सदस्य ही और ब्लड ग्रुप उसका मैच हो, सब विभिन्न प्रकार की मेडिकल प्रकार की मेडिकल जो टेस्ट होते हैं वो उस पर खरे उतरे, तो मेरी श्रीमती उस पर खरी उतरी है। उस आधार पर डॉक्टर ने इनको परमिशन दी, शासन से भी परमिशन हुई और पूरी एक प्रक्रिया से गुजरे। इक्वालिटी न्यूज़ की एमपी डायरी में फिलहाल इतना ही। इक्वालिटी न्यूज़ की ताज़ा अपडेट से जुड़ने के लिए आप आज ही इक्वालिटी सिनेमा ऐप को डाउनलोड और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुधाए।